नाजरीन, गोजनावाला में इस 13 साल लड़की ने रात के 3 बजे अपने वालिद को कत्ल कर दिया। तो इस लड़की ने अपने वालिद को क्यों कत्ल किया, मैं उसकी आप लोगों को असल हकीकत बताता हूँ। 1 साल पहले इस लड़की की वालदा फौत हो गई। ये 3 बहनें थी और इनके 2 भाई थे। सबसे बड़ी ये बहन थी और इसकी दूसरी बहन जो थी वो 8 साल की थी और तीसरी बहन जो थी वो 4 साल की थी। और इनका जो भाई था वो 9 साल का था और जो दूसरा भाई था वो 7 साल का था। ये फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब थी। इस लड़की का जो वालिद था वो काम ज़्यादा नहीं करता था। इस लड़की का वालिद दूसरी शादी करना चाहता था लेकिन गुर्बत थी, गरीब थे, जिसकी वजह से वो दूसरी शादी नहीं कर सकता था। रात के 3 बज रहे थे, ये सब सोए हुए थे। ये लड़की उठी और इनके घर में एक पिस्टल था, तो इस लड़की ने पिस्टल उठाया और चुपके चुपके से वालिद की चारपाई की तरफ गई और वहाँ इनका वालिद सोया हुआ था। तो इस लड़की ने अपने वालिद को गोली मार दी, जिसकी वजह से इनका वालिद जो है वो मौके पर ही जान भाग हो गया, अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। तो उसके बाद फौरन पुलिस आ गई, तो पुलिस ने इस लड़की को अपनी हिरासत में ले लिया और इसको जेल में बंद कर दिया। तो जब पुलिस वालों ने इस लड़की से पूछा कि आपने अपने वालिद को क्यों कत्ल किया है, तो इस लड़की ने जवाब दिया, 1 महीना हो गया है लगातार रोज़ाना रात को मेरा वालिद जो है मेरे साथ जिना करता है। मेरा वालिद रोज़ाना रात को मेरी चारपाई पर आता था, मैं नींद में सोई रहती थी, मेरे कपड़े सारे उतार देता था, कपड़े उतार कर मुझसे जिना करता था। जब मैं जागती तो मैं देखती मेरे बदन पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं होते थे, तो इस वजह से मैंने अपने वालिद को कत्ल कर दिया। तो आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, इस लड़की ने अपने वालिद के साथ अच्छा किया या किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये थी अमना की असल कहानी जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।